हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि पिछले सप्ताह के क्या कुछ ऐसे करंट अफेयर्स रहे हैं जो हमें समझने चाहिए और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए शुरू करते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने दिए हुए निर्णय को बदलते हुए अब ये कहा है कि सिनेमा हॉल के अंदर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही अब वो जो पुराना एक फैसला था कि जहां पे हर एक सिनेमा थिएटर को, सिनेमा हॉल को जब भी कोई मूवी स्टार्ट होगी उससे पहले उन्हें राष्ट्रगान बजाना होगा, वो अब खत्म हो गया, यानी कि अब वो नल एंड वॉइड हो गया है। भारत नेट परियोजना और उसका फेज वन के तहत भारत सरकार ने तय समय सीमा के तहत अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, यानी कि 31 दिसंबर 2017 तक भारत सरकार ने 1,00,000 ग्राम पंचायत को इंटरनेट की सेवाओं से जोड़ दिया है। के शिवन को भारत सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। के शिवन रॉकेट वैज्ञानिक है जो कि इसरो के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इसरो ने हाल में PSLV-C40 विमान के साथ 31 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा है। इसके साथ ही इसरो ने और भारत ने 100 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का कारनामा अब पूरा कर लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक नई अधिसूचना को जारी किया और साथ ही कहा है कि बहुत जल्द ही अब इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत में लाया जाएगा और इसके लिए एक रूपरेखा को तय कर दिया गया है। तो आइए, आज का हमारा ये एक डिस्कशन को टॉपिक होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यानी कि चुनावी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पिछले साल बजट से आया, जिसमें यह कहा गया है कि जब भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देते हैं तो वो एक नोन सोर्स से होना चाहिए, यानी कि डोनर कौन है ये समझाना ज्यादा जरूरी है, यानी कि इससे एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो क्या इससे पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? नहीं थी, क्योंकि 20,000 रुपये तक का जो भी लोग दान देते थे उस पे किसी भी डोनर का कोई नाम नहीं होता था, उसके ऊपर में आप KYC लगाते थे और सरकार जान जाती थी कि आपने किसे दिया है। अब ये जो लिमिट था 20,000 उसको घटाकर 2,000 कर दिया, यानी कि 2,000 से नीचे आप जो भी दान देंगे वो गुप्त होगा, वो कोई भी नहीं जान पाएगा। 2,000 से ज्यादा आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे तो अब आपको बैंक के रास्ते जाना पड़ेगा। बैंक के रास्ते का मतलब आपकी आइडेंटिटी सरकार जान जाएगी। तो क्या ट्रांसपेरेंसी इसमें खत्म होगी? शायद नहीं, पूरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो ये नहीं समझ पाएगी कि उसके पास जो ये बॉन्ड आया वो कहां से आया। तो फिर ट्रांसपेरेंसी किसके पास है? ये ट्रांसपेरेंसी सिर्फ और सिर्फ बैंक, यानी बैंक क्या है? सरकार है, यानी कि सरकार के पास सिर्फ आपका सारा लेखा जोखा होगा कि ये पैसा कहां से आया और कहां को गया। ट्रांसपेरेंसी तो सही मायनों में तब होगी जब भारत के सभी नागरिकों को यह जानने का हक होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहां से हुई है, कौन है इसके डोनर्स, साथ ही ये पैसे कहां कहां खर्च हो रहे हैं। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी तो अभी तक इस बॉन्ड के थ्रू नहीं हो पाएगी। हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं कि उस दिशा में ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है सरकार का। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ये भी जानने को मिले कि किसी भी पार्टीज को कितने फंडिंग मिले हैं और इनके डोनर कौन कौन हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ नए करंट अफेयर्स और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे वेबसाइट jagranjosh.com/current affairs पे जाके प्रतिदिन नए नए करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें।